आज हम आपको सिखाने वाले हैं टू डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट। ठीक है, हमारे पास ये वंस होता है, ये टेंस है, हमें मल्टीप्लाई करना है वंस एंड टेन मीन 34 को मल्टीप्लाई करना है 45 से। ठीक है, तो ये कैसे होता है, हमें पहले जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 4 का 5 का पहले 4 से करना है फिर 5 से करना है, मीन्स हमें 5 की टेबल पहले 4 तक बोलनी। अगर मैं 5 की टेबल बोलनी 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20। तो मुझे 5 की टेबल कहाँ तक बोलनी थी, 20 तक बोलनी थी। तो 20 ऐसा लिखा जाता है, तो 20 का यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 0 और 2 हम बोलते हैं कि कैरी है हमारी। ठीक है, अब 5 की टेबल मैंने 4 तक बोली, अब मुझे 5 की टेबल फिर 3 तक बोलनी। अब कहाँ तक बोलनी, 5 की टेबल 3 तक। तो हम आप पहले ही लिख चुके हैं 5 3 15 होता, आज ये 15 है, इसमें 2 प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 2 प्लस। ये 15 अगर हम 2 प्लस करेंगे तो ये 17। अब यहाँ कोई डिजिट ना होने का हम यहाँ पे पूरा पूरा लिख देंगे 17। अब हमारा 5 से पूरी हो गई। अब हम पहले वाले के नीचे क्रॉस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब मुझे 4 की टेबल बोलनी है, तो वही 4 की टेबल बोलेंगे, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 और 4 4 16। जब मैं 4 की टेबल 4 तक बोलूँगा तो मेरा 16 आ रहा, कितना आ रहा, 16। तो 16 का यहाँ पे 6 कैरी अगेन, अब 1। अब इस 4 का टेबल 3 तक, तो 4 3 का कितना आ रहा, 12, एक कैरी एक जोड़ देंगे 13। ठीक है, अब ये अब यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 7 और 6 कितना आता, 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पे लिख दो 1 1 2, ये कैरी जरूर जोड़नी है आपको। ठीक है, 1 1 2 और 3 5 और ये 1 का 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे मुझे यहाँ पे करना 5 की टेबल 4 तक बोलनी, यही हमने बोले थे 5 की टेबल 4 तक बोलते कितना है, 20 आया। ठीक है, 5 की टेबल 6 तक बोलेंगे, 5 6 30 होता, कैरी हमारे पास कितनी, 2 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस कर दो 30 में, 31 एंड 32। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस, 3 4 12 कैरी 1। ठीक है, 3 6 18 1 19, इसको प्लस कर दो, 0 का 0, 2 2 4, 9 और 3 12, 12 का 2 और ये 2। ऐसे यहाँ 4 की टेबल 6 तक बोलनी है, कहाँ तक बोलनी, 4 की टेबल 6 तक, तो 4 6 24 कैरी 2, 4 8 32 होता है, 32 में 2 प्लस करो 33 एंड 34। पहले वाले के नीचे क्रॉस, 3 6 18 18 का 8 कैरी 1, 3 8 24 25, इसको प्लस कर दो, 4 का 4 8 और 4 12, 5 8 1 कैरी 9 और ये 2। तो ये ढंग से हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई इस तरह कर सकते, तो थैंक यू।